आज रविवार गोरखपुर से हम लोग जब 33 से 35 किलोमीटर दूरी पर कुंवरपुरा हरिहरपुर में आए, तो यहाँ पे लोगों ने अपनी परेशानी बताने के लिए हमें पूरी परेशानी अपनी बताई। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमने देखा कि कैसे बच्चे खुले में शौच कर रहे हैं, और यहाँ की महिलाएं भी शौच के लिए खेतों में जाती हैं और पुरुष भी शौच के लिए खेत में जाते हैं। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं, जानते हैं उनकी समस्याओं को। क्या नाम है आपका? आशा, आशा देवी। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ लाइट नहीं है और हम लोग अंधेरे में उठ के जाते हैं लैट्रिन करने। बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे, दिन हो जाएगा तो कहाँ पर जाएंगे, न रात के थी है न तो दिन के है। हम अंधेरे में कहाँ मोबाइल लेके किसके पास जाएंगे हम लोग? हाँ, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, न सड़क है न लैट्रिन है, कुछ भी नहीं है। हम लोग अंधेरे में रहते हैं, नाली है? नाली तो सरकार ने जो आपको शौचालय के लिए योजना लाए थे कि घर घर में शौच होगा, स्वच्छ भारत अभियान होगा, महिलाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, तो आपको इन सुविधाओं का कोई लाभ मिला कि नहीं? कोई भी कुछ नहीं मिला, कुछ लाभ नहीं हम उनके हैं, कुछ लाभ है कुछ भी नहीं। हम लोग गरीब आदमी है, कुछ नहीं हम लोग के लाभ है, ना कुछ हमारे पास है। बताओ हम लोग बहुत परेशान है। यहाँ पे लाइट कब से कब तक के आती है? लाइट वाइट नहीं है, है ये नहीं है, तो लाइट है ही नहीं है, कहाँ से हम बताऊं जो लाइट है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जैसे जो सड़क आप जिस सड़क से गुजरते हैं, वो सड़क की हालत कैसी है? ये हालत है, अब सड़क बाहर है, हमारे यहाँ सड़क है ही नहीं है, इतना भांस है, हम लोग भांस में जाते हैं। सब लोग यहाँ शौच के लिए, बच्चे, आप लोग कहाँ पे जाते हैं शौच के लिए? सब खेत में जाते हैं, सब खेत में। चलिए घूम के आप देख लें, अंधेरा में रहते हैं। और यहाँ पे पढ़ाई, स्कूल यहाँ से कितनी दूरी पर? बहुत दूर है, स्कूल अपने गांव में है, यहाँ नहीं है। हम लोग के बहुत परेशानी। आपके बच्चे हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? तीन है हमारे। किस क्लास में पढ़ते हैं? हमारे छोटे नहीं, मैंने बड़े हो गए। तो वो अपना, यानी कि वो अभी क्या करते हैं? अभी क्या करते हैं, मजबूरी में, कहीं नौकरी नहीं है, घर पे पड़े हैं। एक तरफ बेरोजगारी की ओर से भी लोग यहाँ पे जूझ रहे हैं, और दूसरी ओर विकास से भी लोग यहाँ बहुत दूर ही खड़े हुए हैं। विकास की रोशनी या विकास का प्रकाश जैसे नाम का यहाँ पे कुछ भी अभी लोगों को नहीं मिला है। सूर्य की किरणें लोगों के घरों में ज़रूर प्रवेश कर लेती हैं, लेकिन विकास के लिए लोगों को कहीं ना कहीं भागना ही पड़ता है। इनके लिए विकास एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो सरकार से ये लोग उम्मीद करते हैं कि विकास इनका कहीं ना कहीं जल्द से जल्द हो। 500 मीटर की दूरी पे ये जो आप तार यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ घरों में इन तारों को आने में पता नहीं कितने वर्ष लग गए हैं कि घरों तक के बिजली नहीं आ पा रही है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि लोग अपनी परेशानियाँ बताने के लिए जमा हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं कि। आइए मैं एक यहाँ आपको वृद्ध से मिलाता हूँ, जो अपनी परेशानी बताने के लिए हमारे हरिओम डिस्कवरी चैनल को आए हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। आपका नाम क्या है? विन्हाचल। क्या नाम है? विन्हाचल। विन्हाचल, अच्छा। तो आप तो क्या चीज़, आपके घर में शौचालय है? तो यहाँ पे आपके घर में अभी तक के शौचालय नहीं है, और बिजली की व्यवस्था कैसी है? कुछ है। और आपको शौच के लिए कहाँ जाना पड़ता है? जहाँ एक तरफ ये वृद्ध इंसान स्वच्छ भारत में अपना साथ देना भी चाहते हैं, लेकिन शौचालय ना होने के कारण ये अपनी स्थिति से स्वच्छ भारत अभियान को नहीं अपना साथ दे पा रहे हैं, सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बच्चे शौच के लिए भी बैठे हैं, वहाँ पे शौच के लिए आप देख रहे हैं कि वहाँ पे अपना लोग शौचालय करने के लिए कैसे बच्चे बैठे हुए हैं। यहाँ पे जागरूकता की भी बहुत कमी है, जिसको सरकार को यहाँ पे कुछ ना कुछ जागरूक
करने के लिए जनता को कुछ नए नियम कानून लागू करने होंगे। का मेन रास्ता ही है, ये गली जो है मेन रास्ता है, ऐसे जाता है। तो अभी थोड़ी सी बारिश हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा बारिश हुआ है, इसमें हमारे पास टू व्हीलर है, हम खुद नहीं आ पाते हैं, खुद फंस जाते हैं। हमारे मेहमान लोग खुद आते हैं तो यहाँ से डरते हैं बारिश की समस्या में कि कैसे जाऊँ उनके घर में। गांव के लोग भी नाम क्या है आपका? हमारा नाम उषाकांत है। मैं बहुत दिनों से यही समस्या है, रास्ता का प्रॉब्लम है, थोड़ी सी बारिश हो जाती है, टू व्हीलर नहीं जाता है, साइकिल फंस जाती हैं। हमारे यहाँ मेहमान आते हैं वो डरते हैं बारिश के समय में कि कैसे गांव है, कैसा है यहाँ का, ये है। और बिजली की समस्या देख ही रहे हैं, जूझ रहे हैं उससे, मोबाइल रहते हुए दूसरे यहाँ चार्ज करने जाना पड़ता है। कभी बच्चे जाते हैं वो डांटने लगते हैं सब, जिसके यहाँ बिजलियाँ हैं दूसरे गाँव में, किस लिए लाया, फिर भी मजबूरी बस करना पड़ता है हमें, करना है। यहाँ पे इन सब जो अविकसित जगहें हैं, तो यहाँ पे आपने कभी प्रधान से इस बारे में बात की? इसके बार बहुत बार बात हुआ है। तो वो क्या कहते हैं आप? बस यही सुझाव देते हैं, हाँ देखा जाएगा, ठीक है हो जाएगा। अभी इलेक्शन था तब बहुत यहाँ लोग आते थे ये मसला हल करने के लिए, लेकिन कुछ समस्या होता है तो इलेक्शन के बाद बस समस्या खत्म हो जाती है। इलेक्शन जहाँ हुआ समस्या खत्म, उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो आपको मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो हैं, लेकिन जब हो जाए तभी उम्मीदें हैं। उम्मीद कब होगी? जब हमारा ये समस्या हल हो जाए तभी तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि होगा। बाकी जब हो रहा है तो उनकी उम्मीदें परिपूर्ण है। आपके घर में शौचालय है? नहीं है भाई, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, गाँव में किसी के पास नहीं। यहाँ घर की बात नहीं, गाँव में नहीं शौचालय। तो आप चलिए आगे देखिए और क्या हो रहा है रास्ते में। टू व्हीलर तक नहीं काम कर रहा है। यही रोड है, ये रोड है, रोड क्या है, देख लीजिए यही रोड है पूरा, ये रोड है। टू व्हीलर भी नहीं चल पाता है। अभी अभी कई दिन हुआ बारिश, देखिए अभी जब बारिश का समस्या होगा तो पता नहीं कितना प्रॉब्लम होता है, अब अनुभव लगा सकते हैं कितना प्रॉब्लम होता होगा। कितना है? 500 मीटर नहीं है पूरा टोटल रास्ता तो हमारे यहाँ है। आपका नाम क्या है? राम पलट। आप काम क्या करते हैं? हम काम करते हैं राजगीर का, मिस्त्री का। तो आपके घर में शौचालय है? नहीं है। तो आप शौच के लिए कहाँ पे जाते हैं? शौच के लिए बाहर जाते हैं जब नहीं है भाई, किसी किसी को जिसके पास थोड़ा कमा उमा के व्यवस्था बनाया हो तो अपना बना लिया छोटा मोटा, नहीं तो बाहर ही जाना, ऑटोमेटिक जाना पड़ेगा, घर में तो कोई बैठेगा नहीं। आपकी पढ़ाई कितनी है? इंटर। इंटर। तो आप स्वच्छ भारत अभियान के लिए क्या कहेंगे? स्वच्छ भारत अभियान जब हमारे गाँव में नहीं कुछ किया किया तो हम भारत के लिए क्या करेंगे बताइए? कम से कम हमारे गाँव के लिए कुछ स्वच्छता होता। तो आपने कभी इस चीज़ को प्रधान के उसमें डाला कि बताया कि... प्रधान के बारे में, प्रधान सामने होते तो उनके पास बोल देता, कम से कम 20 बार कह चुके हैं। हमारे गांव में एक भी लाइटिंग नहीं है, न लाइट है, न लाइट, लाइट का चलिए लाइट से स्वच्छ में नहीं आएगा, लेकिन उससे क्या है कि वो तो आएगा ना। अभी ये सब इससे, ये सब जो चीज़ है लाइटिंग है। आपका गाँव कौन सा है? यही गाँव, यही गाँव है। क्या नाम है इसका? कुंवरपुरा। कुंवरपुरा। तो यहाँ पे बिजली कब से नहीं है? बिजली तो ऐसे तो पूरा शुरू से लास्ट अभी तो अभी पूरा खत्म हो गया। बाबा लोग बता सकते हैं उस समय था कि नहीं था? बाबा लोग बता सकते हैं था कि नहीं था? लेकिन अभी तो फिलहाल अभी 42 ईयर से हो गया मेरा उम्र, इस एज में नहीं है। एज में यानी कि अभी, इनका कहने का मतलब ये है कि अभी जब से ये पैदा हुए हैं तब से इन्होंने लाइट का नामो निशान इस गांव में नहीं देखा है। मात्र गोरखपुर से 33 से 35 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव है, जहां पे आज हम आप लोगों को लेकर के आए हैं। और यहां आप देख रहे हैं कि न स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा हुआ कोई यहां पे सुविधा लोगों को मिली है,
और ना ही यहाँ पे बिजली का नामो निशान है। वृद्ध लोग जैसे भी यहाँ पे जा करके बाहर किस हालत में, जो चल भी नहीं पा रहे हैं, उनसे कैसे क्या करके वो अपने आप को एक स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ना भी चाहते हैं लेकिन नहीं जोड़ पा रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों की भीड़ इकट्ठा हुआ देख रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ जनता की एक ही आवाज़ है कि विकास हमारे घर घर तक के पहुँचे, और जो भी सरकार योजनाएं ला रही है वो लोगों को यहाँ पे मिले, इस जनता की यही आवाज़ है। और यही सारी जनता चाहती है कि इनको बिजली और शौचालय की भी सुविधा मिले। इसी के साथ मैं अमित कश्यप इजाज़त चाहता हूँ, धन्यवाद। पानी पी।